असलकम स्टूडेंट्स सोशल एंटरप्रन्यरशिप की साइकिल में अगली फेज़ जो है वो एक्शन टेकन है ये जो फेज़ है इसमें बहुत सारे ओ एम जी ओ माई गॉड मोमेंट्स आते हैं उनमें से बाज़ जो हैं वो खुशी के ओ माई गॉड मोमेंट्स होते हैं जब कोई डिसीजन पहली दफ़ा पे ऑफ करता है जब कोई वॉल्टियर जो है वो वॉल्टियर करता है जब कोई मोटिवेटेड शख्स अपनी सर्विसेज फ़्री ऑफ कॉस्ट ऑफर करता है जब आप अपनी पहली गुड्स प्रोड्यूस करते हैं या अपनी पहली सर्विस सेल करते हैं या पहले बेनिफिशरीज़ जो हैं वो बताते हैं कि देर इज़ अ डिफरेंस इन देयर लाइफ उनकी ज़िंदगी में कोई चेंज आई है तो ये सारे हैप्पी ओ एम जी मोमेंट्स होते हैं लेकिन उसके साथ बहुत सारे जो हैं वो नॉट सो हैप्पी या जो वो डिफ़िकल्ट या सरप्राइज़ या डेस्पेयर वाले ओ एम जी मोमेंट्स हैं वो भी आते हैं जब सोशल एंटरप्रेन्योर कॉन्फिडेंट नहीं फील करता कोई अचानक सिचुएशन ऐसी सामने आ जाती है जो वो खुद या उसकी टीम मेंबर्स जो हैं वो नहीं उनके पास कैपेसिटी या कैपेबिलिटी उसको फेस करने की उसको एड्रेस करने की जब आपकी प्रोडक्ट फेल हो जाती है जब सर्विसेज जो हैं वो उस तरह डिलीवर नहीं हो पाती जिस तरह सोचा गया था तो ये सारे आ, वो मोमेंट्स हैं आप नाकामी के फेलवर के जिनमें सोशल एंटरप्रेन्योर जो है वो डेस्परेट या फ्रस्ट्रेटेड फील करता है लेकिन बहरहाल ये सारे मोमेंट्स जो हैं दे आर आफ्टर टेकिंग एन एक्शन आप कोई स्टेप एज सोशल एंटरप्रेन्योर लेते हैं और उसके नतीजे में जो होता है उससे ये मोमेंट्स सामने आते हैं आपको याद होगा पिछले मॉड्यूल्स में हमने बात की थी कि सोशल एंटरप्रेन्योर बेसिकली सोशल कैपिटल से स्टार्ट करता है ना कि फाइनेंशियल कैपिटल से बहुत दफ़ा तो सोशल एंटरप्रेन्योर्स को पता भी नहीं होता कि फाइनेंशियल कैपिटल कितना रिक्वायर्ड है और वो कहाँ से आएगा बेसिकली इट्स देयर नेटवर्क्स जैसे हमने बात की कि सोशल एंटरप्रेन्योर विजनरी सोशल एंटरप्रेन्योर खुद कोई बिजनेस एंटरप्रेन्योर हो सकता है वो खुद और उसके कोलीग्स जो बिजनेस में हैं वो उनसे से रिसोर्स जो है उनके साथ नेटवर्किंग करता है एक गुड सिटीज़न जो है उसके फैलो सिटीज़न्टियर करते हैं उसके साथ उसकी कमिटमेंट को शेयर करते हैं तो वो उसका सोशल कैपिटल है यानी उसकी जो नेटवर्किंग है जो उसकी लोगों तक पहुंच है जो उसका एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप है और जो सबसे बड़ी अपील है इमोशनल कि ये वो शख्स है जो किसी मसले को हल करने के लिए जो ज़रूरी नहीं उसका अपना मसला हो उसको लिए काम कर रहा है तो ये उसका सोशल कैपिटल है जिसके ज़रिए से वो काम शुरू करता है ज़्यादातर एक्शंस जो वो लेता है उसमें ये सोशल कैपिटल किस तरह से इन्वॉल्व है वॉल्टियर्स जो एक्ट कर रहे हैं कोई प्रोडक्शन लाइन पे है कोई सर्विस डिलीवरी काउंटर पर है कोई प्लानिंग का काम कर रहा है कोई फ़ंड रेजिंग कर रहा है इसी तरह कॉन्टेक्ट्स वो पर्सनल कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं वो बिज़नेस या एम्प्लॉयमेंट कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं किसी को फ़ोन पे कोई काम करने का कह दिया किसी से कोई एन जो है वो स्पीड अप करवा लिया कहीं से बेनिफिशरीज़ जो हैं आइडेंटिफाइड लिस्ट मिल गई तो ये वो चीज़ें हैं ये उसकी नेटवर्किंग है ये वो सोशल कैपिटल है जो इन एक्शन है जो कि अब उसके प्लान को एक्चुअली फॉर्मुलेट या इम्प्लीमेंट कर रहा है सोशल एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनके एक्शंस बेसिकली मेंट फॉर चेंज टू मेक द डिफरेंस होते हैं सोशल एंटरप्रेन्योर्स आपको याद है उनकी कमिटमेंट जो है वो माशरे में इस तरह की तब्दीली लाना है जो माशरे को किसी खास ग्रोथ जो कि डिसएडवांटेज है वलनरेबल है उसके लिए हमेशा के लिए पॉजिटिवली चेंज कर दे तो ये चेंज जो है ये एक्शन के नतीजे में ही आ सकती है ये विजनरी आइडियाज़ से ये शेल्फ़ पे पड़े हुए प्लान से नहीं आती इसलिए एक्शन्स एक्चुअली मैंट एवरी थिंग बाज़ात प्लान में चीज़ें उस तरह से जो हैं वो क्लियर और कंक्रीट नहीं होती लेकिन जब सोशल इंटरप्रियोर्स एक्ट करते हैं और उनको लर्निंग बाई डूइंग होती है तो वो चीज़ों को अपने एक्शंस को बेहतर करते हैं जिससे लोगों को बेनिफिट होता है मतलब ये एक्शंस हैं जिनके ज़रिए से वो जो सोशल चेंज का क्लेम है सोशल इंटरप्रनीरशिप का वो पूरा होता है थैंक यू